सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान की परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी विचार एवं कार्यों से ही होती है। सच्ची बात, ठीक हूँ ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई खास चाहिए। आपका समय सीमित है, इसलिए दूसरों की जिंदगी में समय व्यर्थ ना करें, हार को हराओ। आज का पंचांग 28 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात्रि 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 7:05 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:11 से 3:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कर्क राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं। धनु राशि 28 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, आपका पति या साथी आपकी किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहा है। सोच समझकर और बुद्धिमानी से काम करें। धन इस समय आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपको कानूनी मामले या किसी व्यापारिक बैठक के लिए यात्रा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर किसी ने धन देने का वादा किया है तो उसे सावधान रहें। आपकी आंतरिक ताकत और स्थिर भावना आपके दिन को और भी शुभ बनाएगी। खुद में परिवर्तन एक मंत्र की तरह है और अतिरिक्त जोश आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। परेशानियां आने पर अपने रास्ते को ना बदलें, किंतु वहां से अपने लिए रास्ता बनाएं। आज अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर लेने से बहुत अधिक खुशी व सुकून की प्राप्ति होगी। अपनी रुचि के कार्यों और ज्ञानवर्धक पुस्तक को पढ़ने में सुखद दिन व्यतीत होगा। किसी विशेष योजना को लेकर योजनाएं बनेगी। हर एक छोटी बात का तनाव लेकर आप चिंतित महसूस कर सकते हैं। अपने जिम्मेदारियों को अन्य लोगों के साथ बांटने की कोशिश करें। लोगों के लिए बढ़ता हुआ आत्मविश्वास आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लोगों के साथ के संबंधों को सुधारने के लिए अपने डर को दूर करना जरूरी होगा। व्यापारी वर्ग को व्यापार करते समय सतर्कता दिखानी होगी। पैसों का नुकसान होने की संभावना बन रही है। पार्टनर अपनी बातों में व्यस्त नजर आएंगे, इस कारण एक दूसरे के लिए वक्त निकालना संभव नहीं होगा। सावधानियां, आपके पूरी तरह आत्मकेंद्रित होने से कुछ लोगों के बीच आपकी आलोचना हो सकती है। कोई आर्थिक विषमता भी सामने आएगी, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। यह समय नए वातावरण का मजा लेने का, जहां आप अपने अनुभव से योजनाओं को नया रूप दे सकते हैं। परिवार संघर्ष से निपटने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपने पार्टनर पर ध्यान दें और उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाएं। विश्वास की भी संभावना है। अपने साथी के साथ बिताया आज का समय आपके लिए सुखदायक और यादगार होगा। आपकी यौन इच्छाएं भी आज चरम सीमा पर होगी और आपको आपके साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत की वजह से आपको तारीफ मिलेगी। याद रखिए कि प्यार की आग को आपको ही हमेशा उत्साह से जलाए रखना है। बात करते हैं करियर की। आज कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, अपने अनुभव का प्रयोग करें। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण के लिए भी यह सही समय है। आज सार्वजनिक दुश्मन या राजनीतिक विपक्ष दोनों आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रहे सोच विचार के बिना तुरंत कार्यवाही करने से नतीजे सकारात्मक नहीं होते। आज आपको धन की हानि हो सकती है, इसके लिए तैयार रहें। इस वजह से आप परेशान भी हो सकती हैं। निराश ना हो, यह भी जीवन का एक चरण है जो जल्द ही गुजर जाएगा। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहें और आमदनी के नए रास्ते तलाशें। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। बात करते हैं सेहत की।
अधिक तली हुई और मसाले वाली चीजों के सेवन से परहेज करें। ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की नियमित जांच करवाएं। अनेक प्रयत्न के बाद भी सेहत में बदलाव ना होने से चिंता रह सकती है। आज का उपाय, आज आप साईं बाबा जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।